सो व्हाट्सअप गाइस, तो क्या हाल है आप लोगों का। मेरे ख्याल से बढ़िया होंगे और आगे भी जाके बढ़िया ही रहना। जब वीडियो स्टार्ट हो तभी आपने थ्री इफेक्ट देखे होंगे, वो वाले इफेक्ट आप शॉर्ट में एडिट कैसे कर सकते हो वो ही आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। वो जो अभी आपने जो इफेक्ट देखे उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहीं पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वो वाले इफेक्ट को यूज़ करना चाहते हो और कैसे यूज़ करते हो तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा जो उसकी प्रोसेस है, तभी आपको समझ में आएगी वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काइन मास्टर को ओपन करना पड़ेगा। तो काइन मास्टर को ओपन करने के बाद सिंपली आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। देखो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके वन बाय वन का जो रेशियो इस पर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप जिस भी वीडियो में वो वाला इफेक्ट डालना चाहते हो वो वाला वीडियो यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। जैसे कि कोई भी वीडियो ले सकते हो आपने, जो भी आपने शॉर्ट्स एडिट किया है वो वाला आपको वीडियो यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वाला इफेक्ट डालने के लिए सिंपली वो वीडियो आपको यहाँ पर चूज़ कर लो, ठीक है। तो सो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, चलो ठीक है। मैंने यहाँ पर एक वीडियो ले लिया है। आप स्टार्टिंग से या बीच में से भी आप वो वाला इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ से जहाँ से कपड़े चेंज करते हो वहीं से भी डाल सकते हो और स्टार्टिंग में भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको और कुछ नहीं करना, लेयर में जाना। लेयर में जाने का सिंपली आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद जो इफेक्ट आपने मैंने आपको लिंक दी उसमें आप इफेक्ट वो डाउनलोड कर लेना, वो इफेक्ट यहाँ पर आपको ले लेना है, ठीक है। सिंपली वो इफेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, रुक जाओ 1 मिनट। सिंपली आपको ये वाला इफेक्ट आपको ले लेना, ठीक है। इफेक्ट लेने के बाद सिंपली आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको जो इफेक्ट लिया ना, यहाँ नीचे वाला देखो, यहाँ पर नीचे होगा इफेक्ट, ठीक है। नीचे वाले इफेक्ट पे जाना है। नीचे वाले इफेक्ट पे जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखा, ठीक है। ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखा, ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आपको फिर से वो वाला इफेक्ट पर क्लिक करना है। इफेक्ट पर क्लिक करने पर सिंपली आपको यहाँ पर देखो जूम और पैन का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जूम और पैन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ पर राइट साइड में जो फुल स्क्वायर है उस पर क्लिक कर और राइट यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना करो कि आप देख सकते हो वो वाले इफेक्ट यहाँ पे आ गया। देख सकते हो वाला ओपी लग रहा है, ठीक है इफेक्ट। तो सिंपली आपको इतना करने का, सिंपली आपको जो यहाँ पर इफेक्ट बहुत लंबा, ठीक है, इस इफेक्ट को सिंपली आपको कट करना पड़ेगा। सिंपली इफेक्ट पे आपको जो पहले ही वीडियो है उस पर जाना पड़ेगा, उसको लास्ट तक कैसे राइट ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। राइट ट्रैक करने से सिंपली आपको वीडियो पर जाना पड़ेगा, इफेक्ट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट पर जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कट का ऑप्शन दिखेगा, देखो यहाँ पर कट का ऑप्शन पर जाएगा। जाने के बाद सिंपली आपको ट्रिम टू राइट प्ले हेड लिखा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे सो वो वाला पार्ट यहाँ पे जो लंबा वाला पार्ट था वो यहाँ पे कट हो जाएगा। सो देख सकते हो आपको ओपी लेवल वाला वो इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अगर आपको किसी भी टॉपिक का या किसी भी शॉर्ट्स पे आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, उसमें मैं वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।